please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. चीन ने अगस्त में 3 बार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, ये दावा आईटीबीपी की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने उत्तराखंड के बाराहुती में 6 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त को घुसपैठ की। इस दौरान चीन के कुछ सैनिक और नागरिक बाराहुती की रिमखिम पोस्ट के पास दिखाई दिए। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि चीन के सैनिक और नागरिक करीब 4 किलोमीटर तक भारतीय सीमा के अंदर घुस आए थे। हालांकि आईटीबीपी के कड़े विरोध के बाद ये लोग वहां से वापस चले गए। चीन और भारत के बीच इससे पहले डोकलाम पर भी विवाद हो चुका है। वहां पर 72 दिनों तक भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी, हालांकि बाद में विवाद को सुलझा लिया गया था। छह, 14 और 15 अगस्त को उत्तराखंड के बाराहुती में 4 किलोमीटर अंदर तक चीन के नागरिक और सेनाएं घुस आई थी। रिमखिम पोस्ट है और वहीं पर ये लोग घुसे थे। आपको बताएं कि डोकलाम में 72 दिनों तक ये पूरा मामला चला था, उस वक्त जब डोकलाम में भी चीनी सैनिक घुस गए थे। हालांकि उसके बाद बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझा तो लिया गया था, लेकिन दावा तब भी ये किया गया था चीन की तरफ से कि आगे से इस तरह के मामलों पर संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बॉर्डर पर शांति बनाए रखने की बात दोनों तरफ से की गई थी, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो डोकलाम के बाद ये दूसरा मामला, अरुणाचल में ये मामला हुआ था डोकलाम का पहला, दूसरा उत्तराखंड में और उत्तराखंड के बाराहुती रिमखिम पोस्ट के पास। ब्रिटेन की एक अदालत आज भारत से भागे कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण से जुड़े मामले की सुनवाई करेगी। कहा जा रहा है कि इस दौरान जज मुंबई की 8 रोड जेल की उस कोठरी का वीडियो देख सकते हैं जहां पर प्रत्यर्पण की स्थिति में माल्या को रखा जा सकता है। माल्या पर धोखाधड़ी और लगभग 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज न चुकाने का आरोप है और पिछले 4 दिसंबर को लंदन की अदालत में उनके प्रत्यर्पण को लेकर मुकदमा शुरू हुआ था, लेकिन माल्या को जल्दी ही कोर्ट से जमानत मिल गई। इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने भारतीय अधिकारियों से आर्थर रोड जेल की बैरक संख्या 12 का वीडियो सौंपने के लिए कहा था, ताकि कोठरी में स्वाभाविक रोशनी की उपलब्धता के बारे में संदेह दूर किया जा सके। तो लंदन से हमारे सहयोगी संजय सूरी जुड़े हुए हैं। संजय, जानना ही चाहेंगे फिलहाल अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है विजय माल्या को लेकर वहां से। अब विशेष मुद्दा कचहरी के सामने एक वीडियो फिल्म है जो कि सरकार ने यहां दाखिल की है, ये साबित करने के लिए कि जिस स्थान पर माल्या को कैद करने का प्रस्ताव है वहाँ कुदरती काफी रोशनी है। लेकिन इस वीडियो फिल्म के पीछे, इस रोशनी के पीछे एक कठिन सवाल है, क्योंकि सरकार ने पहले ही तस्वीरें, फोटोग्राफ्स पेश कर दी थी यही बात साबित करने के लिए, और माल्या के वकीलों ने कहा है कि वो तस्वीरें जो हैं उन्हें मैनिपुलेट किया गया है, वो झूठी तस्वीर सामने रख रही हैं, क्योंकि वास्तव में इतनी रोशनी वहाँ नहीं है जितनी कि ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो बुनियादी सवाल ये है कि क्या भारत की सरकार ने यहाँ कचहरी में झूठ बोला है, जैसे कि विजय माल्या के वकीलों का कहना है। राजस्थान के कोटा में एक चौराहे पर खड़ी एक कार के शीशे को एक आदमी ने हथेलियों से धकेल कर तोड़ दिया। आरोप है कि इसी तरह कार का शीशा तोड़कर चोरी की 2 वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें चोरों ने 3 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिए। जिनमें एक वारदात में चोर ने एक कार के शीशे को अपनी हथेलियों से तोड़ दिया। इस चोरी से कुछ देर पहले उसका एक साथी कार के पास आया और उसने कार के शीशे पर कोई अनजान चीज लगा दी। इसके बाद आरोपी ने आसानी से शीशा तोड़कर अंदर रखा बैग उठा लिया। एक बैग था जिसमें लैपटॉप था और एक बैग था जिसमें कुछ नकद था, 2.5 लाख रुपए नकद तथा कुछ उसके जरूरी कागजात थे, वो चुरा कर कोई व्यक्ति ले गया। शातिर तरीके से कार का शीशा तोड़कर दिन दहाड़े चोरी हुई। इस बीच वहाँ कुछ लोग भी मौजूद थे, लेकिन अपना काम पूरा कर चोर आसानी से सड़क पार करते हुए फरार हो गए। विश्व हिंदू परिषद ने राजस्थान के अलवर में रकबर लिंचिंग केस में हत्या के आरोपियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से कर दी। आरोपी कथित गौरक्षकों के खिलाफ चार्जशीट दायर किए जाने के विरोध में वीएचपी ने धर्म सभा बुलाई, जिसमें तीनों आरोपियों को भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु बताया गया। इतना ही नहीं, वीएचपी नेता नवल किशोर ने मंच से जमकर जहर उगला और आरोपियों को किसी भी कीमत पर छुड़ाने की बात कही। इस दौरान वीएचपी नेता ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जहां से भी गाय की खाल बरामद होगी वहां अब से समाधि बनाकर मेला लगवाया जाएगा।
जिस समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, आज वो बस पुणे, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु राजस्थान के अलवर जिले की जेल में बंद हैं और आज हम मुक्त दर्शन करके उनकी मौत का नजर आप देख रहे हैं। इससे ज्यादा हमारे छात्रों का अत्याचार होने वाला नहीं है। सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, हमने सुना भी नवल किशोर क्या कह रहे थे, तुलना जिस तरीके से की है ये तो बहुत ही शर्मनाक है। दूसरी बात ये कि न सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह की घटनाओं को, बल्कि एक तरीके से दहशत भी पैदा की जा रही है। देखिए बिल्कुल, और ये काफी बड़ी बात है क्योंकि दो दिन पहले पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी तीनों आरोपियों के खिलाफ, और तीन से दो के अंदर चार्जशीट फाइल की और नवल किशोर जो इसके अंदर आरोपी बनाया गया, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की और उसको केस को पेंडिंग रख दिया। तब भी सवाल उठा था कि आखिर नवल किशोर के खिलाफ पुलिस ने जांच करके चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की और क्यों पेंडिंग रखा गया। और उसके एक दिन बाद में कल वो धर्मसभा करते हैं और धर्मसभा में जिस तरीके से वो बोले हैं वो बहुत अपना अपनी शर्मनाक है और सवाल खड़े करते हैं, और पुलिस ने आखिर इजाजत कैसे दी उनको इस तरीके की जनसभा करने की, जाहिर सी बात है। लेकिन भवानी, इस पर जवाब क्या है पुलिस का, इलाके के लोगों का क्या जवाब है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? इस तरह की बातें सरेआम वो करेंगे, ये तो भड़काऊ भाषण ही है एक तरीके से। देखिए जाहिर तौर पर अलवर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अलवर पुलिस ने चार्जशीट फाइल होने से एक दिन पहले 25 जो गो रक्षक है उनको आइडेंटिफाई किया और कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये इस तरीके से भड़काने का काम करते हैं। तो अब जब पुलिस ने आइडेंटिफाई किया और ये मान लिया कि इस तरीके की एक्टिविटीज पुलिस नहीं होंगे, एश्योर किया अलवर के एसपी ने, और उसके दो दिन बाद में भी धर्मसभा होती है, भड़काऊ भाषण दिया जाता है, और वो भी ऐसे वक्त में जब राजस्थान में दो महीने बाद में चुनाव होने हैं, इसका काफी कई चीजों पर असर पड़ सकता है, समुदायों के बीच में टकराव हो सकता है। तो जाहिर तौर पर ये अलवर पुलिस का फेल्योर है कि इस तरीके से खुलेआम इस तरीके से गोरक्षकों को छूट देना, धर्मसभा करने देना, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां पर पेपर मिल में बॉयलर फटने से 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। घटना बिजनौर के नगीना रोड की बताई जा रही है। पुलिस और बचाव दल फिलहाल मौके पर मौजूद है। बॉयलर फटने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई और इस बीच 3 लोग घायल भी हुए, लेकिन वो काफी गंभीर रूप से घायल है। अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, हादसा हुआ कैसे? बिल्कुल नवजोत, आपको बता दें कि ये मजदूर काम कर रहे थे और अचानक बॉयलर फट गया। लोग जो खबर आ रही है कि उसके जो मशीनरी थी उसमें कुछ तकनीकी खराबी थी और इसके पहले भी सूचना दी गई थी, लेकिन जो फैक्ट्री के मालिकान है उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लिहाजा आज सुबह जब मजदूर काम करने गए थे अचानक बॉयलर फटा, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। अब जो घायल हुए हैं 3 गंभीर, उनकी भी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें रिफर किया गया है अस्पताल में। वहाँ जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान भी पहुंचे, लेकिन सवाल यही 3 लोगों पर कार्रवाई कब होगी जिनकी वजह से ऐसे धमाके होते हैं, ऐसे कमियां की वजह से लोगों की जान जाती है और 6 मजदूरों की मौत हो गई है। इलाका है वो, वहाँ अफरा तफरी का माहौल है और जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित है। हालांकि सरकार की तरफ से भी आदेश जारी किए गए हैं कि इसमें जो राहत है और पूरे मामले की जांच के आदेश भी जो कलेक्टर है वहाँ उन्होंने दे दिए, लेकिन सवाल यही कि आखिर किस वजह से हादसा हुआ और किस जिसकी वजह से इनकी जाने गई है उस उन पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। जम्मू कश्मीर में कटरा हाईवे पर आतंकियों की फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने एक ट्रक को जब्त कर ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया। ट्रक में सवार 3 आतंकी थे जो कि जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहे थे और फायरिंग के बाद तीनों आतंकी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक से 147 राइफल और 3 मैगजीन बरामद की है। पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें आतंकियों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। दो तस्वीरें सड़क पर किस तरीके से मोर्चा लगाकर कार्रवाई की गई, जिसके बाद 147 और मैगजीन वहां से बरामद हुई है। हालांकि इसमें आतंकी भी हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ट्रक सवार 3 आतंकी जो थे वो फरार हैं। के दौरान उसमें से फायर आया तो उसके बाद हमारा जो है रिस्पांस मैकेनिज्म जॉइंट जो है आर्मी पी एस सीआरपीएफ एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस का वो शुरू हो गया है। सर्चिस हैव बीन स्टार्टेड। तो कुछ अभी डिटेल्स है कितने मिलिटेंट है? वी सस्पेक्ट दैट 2-3 मिलिटेंट शुड बी देयर।
पवन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पवन, 2 से 3 मिलिटेंट्स की बात कह रही है पुलिस वहां पर, ये बताएं कि इलाका किस तरीके का है और अगर वहां से भागने में कामयाब हुए हैं तो फिर किस एरिया में जा सकते हैं वो? देखिए, बिल्कुल पहाड़ी इलाका है जजर कोटली का और कटरा वैष्णो देवी के ट्रैक से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल कटरा जो टाउन है माता वैष्णो देवी का वो बिल्कुल इसके पास है और जो तीनों आतंकी थे जो ट्रक में सवार थे वो उसी इलाके की तरफ भागे हैं। सेना और पुलिस ने पूरे एरिए को कॉर्डन कर लिया गया है कि ताकि आतंकी इन पहाड़ों से उस इलाके में ना पहुँच सके जो त्रिकुटा पर्वत वैष्णो देवी के पहाड़ों के साथ जुड़ता है। यही वजह है कि इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की जो टीमें हैं वहाँ मौके पर पहुंची हुई हैं। चारों तरफ से कॉर्डन किया गया है। अभी तक जो है ड्राइवर और कनेक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है, लेकिन 3 आतंकी बताए जा रहे हैं जो जंगल की तरफ भागे थे उनको पकड़ने के लिए एक सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया है। 2 से 3 आतंकी बताया जा रहा है ऐसा और उनकी तलाश अभी की जा रही है। नजर बना रही खिलौटेंगे आपके पास। भोपाल पुलिस ने हाईवे पर 33 हत्याओं के खुलासे का दावा किया है। पुलिस ने सीरियल किलर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने 10 साल में 33 हत्याएं की हैं। पुलिस ने बताया कि यह गैंग हाईवे पर ट्रक से लूट करता था और लूट के बाद ड्राइवर और क्लीनर की हत्या कर देता था। मध्य प्रदेश के अलावा ये गैंग छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी सक्रिय था। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों और कुछ लोगों में टोल को लेकर झड़प हो गई जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हंगामे के बीच कार सवार ने फोन कर और लोगों को वहां पर बुला लिया जिसके बाद टोल पर जमकर हंगामा हुआ। करीब आधे घंटे तक टोल पर हंगामा इसी तरीके से चलता रहा जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों में समझौता कराया। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अधिकारियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है, सबसे बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। News18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे 144 अधिकारियों की पहचान की है जिन पर घोटालों में शामिल होने का आरोप है। सरकार ने खाद्यान्न घोटाले, राशन घोटाले और छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कराकर इन अफसरों की लिस्ट बनाई है और अब उनके खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा में FIR दर्ज करने की तैयारी है। सरकार की कार्रवाई की आहट मिलते ही हड़कंप मच गया क्योंकि अभी भी 300 से अधिक अफसरों और माननीयों पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। ऐसे अधिकारी हैं और जिन पर FIR की स्वीकृति ली गई है। हम अपने तंत्र को भी बहुत सुदृढ़ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की मंशा है कि पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए और अधिकारियों में जनता के कामों के प्रति एक जिम्मेदारी का एहसास हो और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अधिकारियों के अंदर तक ये समाहित हो। यूपी में काली कमाई करने वाले भ्रष्ट अफसरों की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बाकायदा गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया। इस आदेश में उन अफसरों के खिलाफ FIR की संस्तुति की गई है और प्रमुख सचिव गृह की तरफ से देर रात आदेश तो जारी ही किया गया, साथ ही OW को थाना बनाने की एक संस्तुति यानी अधिसूचना भी जारी कर दी गई जिसके बाद OW एक इन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ FIR करेगा। इसमें 144 फाइलें हैं जिन पर FIR की संस्तुति की गई है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो चाहे राशन घोटाला हो, खाद्यान्न घोटाला हो या फिर समाज कल्याण विभाग, कृषि, सिंचाई, PWD या छात्रवृत्ति घोटाला हो, इन सभी अफसरों पर शिकंजा कस गया और OW FIR कर इन सबको जेल भेजेगा। News18 ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी और एक्सक्लूसिव News18 ये बता रहा है कि अब काली कमाई करने वाले कुबेरों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। ऐसे में साफ है कि सरकार लगातार इन अफसरों पर कार्रवाई कर एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। अब इन्हें जेल जाना ही होगा क्योंकि अब FIR की संस्तुति हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ अजीत सिंह, News18, लखनऊ।